हेलो एवरीवन, मई बार ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हो आप सभी? ईश्वर से कामना करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। तो डे बाय डे अपन जिस सीरीज के अंदर चल रहे हैं उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए और एक और क्लास उसके अंदर ऐड करते हुए, और आज का अपना टॉपिक होगा मीजल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज है, डिसऑर्डर है, और उसको अपन शुरू करते हैं एक बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ में, कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो इसे पाके दिखा, दम है तो इसे पाके दिखा, बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। थोड़ा और जोर लगा, कोशिश कर, क्यों? क्योंकि किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में भी थोड़ा वक्त लगता है। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आज की इस क्लास को कैरी ऑन करता हूँ। इम्पोर्टेंट क्लास मीजल्स के ऊपर से है। तो मीजल्स, मीजल्स के बाद क्या होता है मीजल्स? ठीक है, मीजल्स जो बीमारी है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट कॉमन होती है छोटे बच्चों के अंदर। कौन से बच्चों के अंदर? छोटे बच्चों में होने वाली बीमारी है ये, होती है आपके। कौन सा इसका यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? तो मैं सीधी सिंपल भाषा में लिखूं तो, अगर डेफिनेशन के रूप में लिखूं तो इट इज एन एक्यूट कंटाजियस बीमारी है। ये भी कौन सी है? कम्युनिकेबल डिजीज है, कोज्ड बाय ये इंपॉर्टेंट नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। और नाम क्या है? पैरामिक्सोवायरस। कौन सी फैमिली है इसकी? पैरामिक्सोवायरस की आरएनए फैमिली है। प्यार दोस्तों, कौन सी फैमिली है? आरएनए फैमिली से यह बिलोंग करता है। आरएनए को क्या बोल सकते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होता है आरएनए? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ जाएगी सभी को। प्यारे दोस्तों, अच्छी बात बता रहा हूँ सारी के सारी। ठीक है, मीजल्स जो बीमारी है, मीजल्स उसका अगर मैं बात करूं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की मैं अगर सिंपली बात करूं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है ड्रॉपलेट। क्या होता है? ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट इंफेक्शन की वजह से यह क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है। प्यारे दोस्तों, इतना समझ में आई बात? यहां तक समझ में आई? नेक्स्ट बात अगर मैं बात करूं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, छोटे छोटे एमसीक्यू है, बातें छोटी छोटी है आपको, और आपको क्या चीजें याद करनी है, जो लिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज आप याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में यही चीज आती है, वन लाइनर एमसीक्यू आते हैं, उनको अपन को क्या करना है, या तो मैच करना होता है या सीधा आंसर देना होता है। तो अगर मैं बात करूं इंक्यूबेशन पीरियड की, तो कल अपन ने मम्स पढ़ा था, और मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड था 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 वीक से लेकर 2 वीक तक का पीरियड है। बस ओनली फॉर इतना ही है, और यही अपन को याद करना है प्यारे दोस्तों। तो इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन अपन मान सकते हैं, इसको 7 से 14 दिन मान सकते हैं प्यारे दोस्तों। और इसी को अगर मैं कंबाइन में लिखूं, बीच का यहाँ पर रेंज लिखूं तो 10 डेज भी कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जाके कंफ्यूज कर देता है आपको, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा वो बात सुननी है सभी को,
सुनाऊंगा, 2 मिनट रुको बस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो भी सुनाऊंगा मैं, लेकिन अभी ये पढ़ लो ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 7 से 14 दिन और 10 दिन का यहाँ पे टाइम होता है, और जिसको क्या बोल सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, किसका होता है, मीजल्स का। इम्पोर्टेंट है, याद रह जाएगी इतनी सारी बात ठीक है। अब आता है आपके सामने एक अच्छा सा टॉपिक कि मैक्सिमम यहाँ पे कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है, इस मीजल्स बीमारी की कम्युनिकेबिलिटी की मैं अगर बात करूं ठीक है। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब होता है इन्फेक्टिविटी, मतलब ये कब कब फैल सकती है। तो देखो सिंपल बता रहा हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये रेसेस है ठीक है, रेसेस आएंगे इसके अंदर। ये रेसेस जो आ रहे हैं उसके या तो 5 से 6 दिन पहले, 5 से 6 दिन बिफोर से लेकर आफ्टर 7 डे ठीक है, 5 दिन पहले से लेकर 7 दिन बाद तक इसका क्या होता है, मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी होती है, मतलब ये फैल सकती है बीमारी। छोटी सी बीमारी है लेकिन ये फैल सकती है, इन्फेक्टिविटी होती है। एक बात उसके बारे में ध्यान रखना कि इसकी जो सेकेंडरी अटैक रेट और वो अटैक रेट होती है कॉम्प्लिकेशन के रूप में होती है इसकी सेकेंडरी अटैक रेट। और कॉम्प्लिकेशन जो है इसका आता है वो 80% आता है, मतलब 80% ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने की कैपेसिटी रखती है। और इस ड्यूरेशन के बीच में 5 से 6 दिन पहले, रेसेस आने के पहले और बाद में 7 दिन तक। और सेकंड अटैक रेट में अगर बात करूं, सेकंड अटैक रेट का सीधा सा मीन होता है कि वापस होना, वो बीमारी जो किसी पर्सन को हो गई है उसी को वापस होने की अटैक रेट कितनी है, तो इसकी भी क्या है, 0%। सेम टू सेम मम्स की थी, उसमें भी वही सेम टू सेम कंडीशन थी, लेकिन उसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं बनती है, इसमें नहीं बनती है और उसमें बनती थी ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत तगड़े हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन इतने तगड़े नहीं थे ठीक है। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, याद रह जाएगी। नेक्स्ट बात है इसके अंदर रेसेस और कॉप्लिक स्पॉट के बारे में एमसीक्यू पूछा जाता है। तो कॉप्लिक स्पॉट कब आता है, रेसेस कब आते हैं, ये दो चीजें हैं। और दोनों चीजें मैं ज्यादा डीप नहीं बताऊंगा, मेरे को पता है स्टेजेस बतानी पड़ती है, लेकिन मैं स्टेजेस में नहीं फंसाऊंगा, फंस जाओगे वहीं पे ठीक है। और मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको कि रेसेस और रेसेस नहीं आते हैं, पहले कॉप्लिक स्पॉट आते हैं। कॉप्लिक स्पॉट आते हैं पहले। अब ये कॉप्लिक स्पॉट कहां पर आएंगे, ये मीजल्स बीमारी के अंदर ही आते हैं। कॉप्लिक स्पॉट कहां पर आएंगे, बकल म्यूकोसा में, बकल कैविटी बोल सकते हो आप इसको, बकल कैविटी और थर्ड मोलार जो टीथ होता है, थर्ड मोलार टीथ, वो भी कौन सा, लोअर वाला थर्ड मोलार टीथ होता है, वहां पे आपको कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिल सकता है। ये बात बहुत पते की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात यहाँ पे लगा देना, 3 स्टार लगाना चाहो तो लगा देना, 5 स्टार लगाना चाहो तो भी लगा देना, ये बात पते की है, आयु भी है और वापिस आ सकती है ठीक है। इतनी सी बात याद रह जाएगी यार दोस्तों। अब रेसेस यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट तो आ चुका है, अब आएगा रेसेस, याद रखना, अब आएगा इसके बाद में आता है रेसेस, इसके बाद में आता है ये रेसेस। अब ये सीक्वेंस याद रख लेना, बस इंपॉर्टेंट यही है सीक्वेंस, और कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे की मैं अगर बात करूं इसी मेजर्स डिजीज को, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहां तक आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको, बीमारी को। मैं आपको एक यहाँ पे मिनट भी नहीं दूंगा, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो ठीक है। ओके, फाइन ठीक है, इसी बीमारी को अपन आगे और पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो आगे इसकी क्या बात निकल के आती है, इंपॉर्टेंट बातें,
सारे के सारे इम्पोर्टेंट बात पता की ही करेंगे अपन, और ज्यादा अपन को घुमाएंगे फिराएंगे नहीं आपको, और बात सारी होगी और सारी के सारी कैसी होगी बातें, अच्छी वाली बातें यहाँ पे करने की अपन कोशिश पूरी की पूरी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट जो बात इसकी निकल के आती है मीजल्स बीमारी की, तो नेक्स्ट बात अगर मैं आपसे करूं तो मीजल्स बीमारी के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलती है, और वो क्या देखने को मिलता है, वैक्सीन के रूप में। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट की मैं अगर बात करूं तो अपने पास में प्रिवेंशन है, मीजल्स वैक्सीन का क्या है, प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कब लगाया जाता है मीजल्स का वैक्सीन, 9 मंथ पर इसका वैक्सीन लगाया जाता है। कब, कौन सा रूट होता है, SC रूट, कहां पे लगाया है सर, लेफ्ट में लगाया है कि राइट में लगाया है। BCG के लिए जरूर है कि आपको लेफ्ट अपर आर्म पर ही लगाना है, लेकिन ऐसा इसके लिए कोई रूल नहीं है कि मेजर्स वैक्सीन को आपको कहां लगाना है, लेफ्ट पे लगाना है राइट में लगाना, मर्जी पड़े जहां पे लगा देना, लेकिन लगाना जरूर 9 मंथ पर। ठीक है, कब लगाना है, 9 मंथ पर, और 9 मंथ के बाद में लगा सकते हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो अपना जो शेड्यूल है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसके अंदर एक ही यहाँ पे वैक्सीन आता है, MMR नहीं आता है, याद रखना मिजल्स मम्स वाला वैक्सीन नहीं आता है, सिर्फ मिजल्स आता है, M और R रूबेला भी अपन ऐड करते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन वो भी शेड्यूल में नहीं आता है, शेड्यूल में सिर्फ मिजल्स आता है और लगता है 9 मंथ पर, बात ये भी पते की है। ये MCQ बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको अपन करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में क्या करते हैं अपन, इसको घोलते हैं, इसके पानी जो होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है वो अपन उसके अंदर डालते हैं और उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, फिर क्या होता है, वैक्सीन डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं प्यारे दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, और ये होता है लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होता है। ये कौन सा वैक्सीन, मेजल्स का वैक्सीन। ठीक है, फर्स्ट डोज अपन यहाँ पर डोज कब लगा रहे हैं, 9 मंथ पर, और इसके साथ में एक वैक्सीन और लगता है विटामिन ए का, किसका लगता है, विटामिन ए का। विटामिन ए अगर आप लगा रहे हो 6 मंथ से पहले, तो आपको 6 मंथ से पहले अगर आप लगा रहे हो विटामिन ए, तो आपको कितनी डोज देनी है, 50K, मतलब 50 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर यही डोज आप अगर लगा रहे हो 6 से 12 मंथ के बीच में, मतलब वही 9 मंथ पर लगा रहे हो, ठीक है, तो 100K, मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फिर अगर आप लगा रहे हो 12 मंथ से बड़े बच्चे को, मतलब 1 साल से ऊपर वाले बच्चे को लगा रहे हो विटामिन के, तो 2 लाख यहाँ पे क्या देना है, 200K या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको पिलाना है। कब कब देंगे सर, तो एक तो देंगे अपन 9 मंथ पर, दूसरी देंगे 18 महीने पर। देखो पहली और दूसरी डोज जो होती है, फर्स्ट और सेकंड डोज, उसके बीच में गैप कितना रखना है, 9 मंथ का, बाकी सारे के बीच में गैप कितना रखोगे आप, 6 महीने का गैप रखोगे। ठीक है, ये मैं जो लिख रहा हूं ना, मंथ लिख रहा हूं, ठीक है, मंथ में आपको ध्यान रखना है, ये 54 पे और ये 60 पे, और 60 महीने का मतलब होता है 5 साल, मतलब 5 ईयर तक आपको क्या लगानी है, विटामिन ए की वैक्सीन लगानी है। ये थर्ड डोज है, ये फोर्थ डोज है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन के बाद में ये 8, ये 9। ठीक है, तो पहली डोज इसके अंदर जो होती है, पहली डोज फर्स्ट डोज होती है आपकी, फर्स्ट डोज जो होती है वो आपकी होती है यहाँ पे, एक डोज तो होती है यहाँ पे 100K की। ठीक है, और बाकी की जितनी भी सारी 2 से लेकर आपके 9 तक की जो डोज है वो 2 लाख की होती है, और टोटल यहाँ पे 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, अब 1700K यानी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट पिलाया जाता है बच्चे को। ठीक है, इसके साथ में मीजल्स के साथ में ये दिया जाता है। तो वैक्सीन की बात हो गई अपने पास में, अब देखो एक इस मीजल्स वैक्सीन के बारे में निकल के आती है बात, इम्पोर्टेंट है, बताई है कि इस वैक्सीन को डाइल्यूट कर दिया आपने तो 4 से लेकर 6 घंटे के बीच में इसको यूज कर लेना है, वरना क्या करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड कर देना है वैक्सीन को। ये बात पता है आई हुई है, एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखनी है, तो डिस्कार्ड कब करेंगे, 4 से 6 घंटे, 4 या 6,
CHO 4 या 6 में कंफ्यूज करता है, 4 भी होता है 6 भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना अपन को गवर्नमेंट का नुकसान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। अपन अपना नुकसान तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट का नुकसान अपन को नहीं करना है। इसी बात को लेके CHO ने 6 आंसर को राइट माना है कि कम से कम 6 घंटे तो लगाना ही है, ठीक है, कम से कम तो 6 घंटे, ठीक है, सॉरी कम से कम तो 4 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, तो 6 घंटे तक तो आप रख सकते हो, ऑप्शन में 4 और 6 दोनों है तब आप 6 तक जा सकते हो, ठीक है, 6 नहीं है फिर 4 पे ही जाना है, फिर आपको कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये भी। अब है बात आती है दूसरी वैक्सीन के बारे में, यही बातें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। रूट याद कर लेना, SC रूट है, एक डोज मैंने नहीं बताई, डोज होती है इसकी 0.5 ml, ठीक है, बस इतनी सी बात है ये और कुछ भी नहीं है। अब आता है आपके कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन की मैं अगर बात करूं तो कॉम्प्लिकेशन होता है इसके बहुत सारे, ठीक है, पहला याद करना आप मोस्ट कॉमन, ठीक है, दूसरा याद करना डेंजरस, तीसरा याद करना मोस्ट कॉमन कौन सा है, डेंजरस कौन सा है, और रेयर, रेयर का मतलब कभी कभार होता है, 100 में से 1 बच्चे को होता है। तीन कॉम्प्लिकेशन लिखाऊंगा मैं और तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन की अगर मैं बात करूं तो लिख देना आप ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया इसके इस मीजल्स की वजह से हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ये बात स्टार लगा के लिखना, ठीक है, स्टार लगा के लिखना, 3 स्टार लगा के। डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया, अरे भाई रसगुल्ले की अगर सांस ही अटक गई है, ठीक है, तो वो क्या जिंदा रहेगा, सांस अटक गई, सांस नहीं आ रही है बच्चे की, क्या कह रहा है, सांस नहीं आ रही है, निमोनिया का मतलब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में पासेज वे में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, सांस ही नहीं आ रही है बच्चे को, तो वो कहां से जीवित रहेगा, कहां से आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये निमोनिया यहाँ पर डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, डेंजरस का मतलब खतरनाक, तो सांस की प्रॉब्लम खतरनाक होती है, हमेशा नर्सिंग में अपन पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने सामने आता है रेयर कॉम्प्लिकेशन, और रेयर कॉम्प्लिकेशन याद रखना SSPE, ठीक है, SSPE, कभी कभी क्या होता है CHO इसकी फुल फॉर्म पूछता है, कभी कभी अपन को फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, तो सब स्क्लेरोसिंग पान एनकेफलोपैथी, सब स्क्लेरोसिंग पान एनकेफलोपैथी, ठीक है, ये इसकी क्या है फुल फॉर्म है, सब स्क्लेरोसिंग पान एनकेफलोपैथी, ये इसका रेयर कॉम्प्लिकेशन है, और ये तीनों ही कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में आए हुए हैं, और तीनों का आगे लगा देना स्टार, तीनों के आगे लगा देना स्टार, ठीक है, तो वैक्सीन के ऊपर से MCQ कवर है आपका, आपका पूरी डिजीज के ऊपर से MCQ कवर है, रेसेस का बातें हैं, कैसे क्या होता है, पूरी डिजीज आपके सामने फोड़ के रख दी हमने, तो कैसे लगी है हमारी क्लास छोटी सी, अगर अच्छी लगी हो एक लाइक जरूर करें, क्लास को लाइक नहीं करते हो बहुत बुरी बात है, क्लास को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ये 3 काम आपको जरूर करने हैं, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके काम आएगा, ठीक है, अब बाद में आप क्या कर सकते हो, वापस अच्छे से इसको नोट्स के रूप में बना सकते हो, ठीक है, तो एक ही बात कहूंगा मैं वापस, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं है, हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, हम तो बने हैं सिर्फ जीतने के लिए, सौगंध महादेव की, हम तो बने हैं सिर्फ जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जय हिंद जय भारत जय मेवाड़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, तब तक क्या, अब कल मिलते हैं अपन, और कल बीमारी होगी आप सभी के सामने, कौन सी पता लगा नहीं पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन, डायरिया, ORS।
तीनों को ऐसा लपेटना है एक ही दिन में कि आपका एक भी एमसीक्यू बाहर नहीं जाए। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।